नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका फोन EMI का है और आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिए हैं और चाहते हैं आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को वापस लाना, तो आप कैसे उस रिकॉर्डिंग को रिकवर करेंगे, कैसे आप उसे वापस लाएंगे, आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। दोस्तों EMI के फोन में एक ऐप होता है, ये प्री इंस्टॉल होता है, कंपनी की तरफ से इंस्टॉल करके मिलता है और उसका नाम होता है रिकॉर्डर। तो ये ऐप आपको अपने फोन में ढूंढना होगा। आपके फोन में कुछ इस तरह का बॉक्स बना होगा और इसी तरह के बॉक्स में आप देख लीजिएगा, वो रिकॉर्डर वाला कहीं पे ऐप्स होगा। जैसे मैं अपने फोन में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये है रिकॉर्डर। यहाँ पे आप क्लिक करके इसे ओपन कीजिएगा, तो रिकॉर्डर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे। दोस्तों यहाँ पे मेरे फोन में 22 कॉल रिकॉर्ड पहले से है, इस पे हम क्लिक करते हैं और इन सभी को सबसे पहले यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसे कैसे हम रिकवर करते हैं। तो डिलीट करने के लिए इन सभी को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अब इसे हम ओके पे क्लिक करके डिलीट कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, मेरा ये एक रिकॉर्डिंग बचा हुआ है और बाकी सब डिलीट हो गया है। तो मैं अपने 22 कॉल रिकॉर्ड को कैसे रिकवर करूंगा, इसके लिए हम यहाँ से बैक आते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस सेटिंग वाले आइकॉन पे यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिसेंटली डिलीट आइटम, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट किए रहते हैं यहाँ पे 30 दिन तक यहाँ पे ये सभी सेव रहते हैं। 30 दिन के बाद दोस्तों यहाँ से ये खुद ब खुद डिलीट हो जाते हैं। तो अगर आप इन सभी को वापस लाना चाहते हैं तो इस पे आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा और इसके बाद आप यहाँ से सभी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा रीस्टोर पे और यहाँ से हम आते हैं बैक और यहाँ पे हम फिर से क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं जो 22 कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट किया था वो सभी आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को फाइल मैनेजर में से जाकर डिलीट कर देंगे तो इस तरह से आपकी कॉल रिकॉर्डिंग रिकवर नहीं होगी। उसके लिए फिर आपको दूसरा प्रोसेस करना पड़ता है। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।